उधर समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पांव आजकल जमीन पर नहीं है। लोकसभा में उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 37 हो गई और इसके बाद से वो और उनकी पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भगवान राम का अपमान करते हुए फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताया है। इसके बाद से अयोध्या के संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस पर अयोध्या के साधु संतों ने झंडा विरोध शुरू कर दिया है। इसी को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अवधेश प्रसाद सांसद क्या बने, विवादों का पुलिंदा हो गए। या तो उनका बयान किसी विवाद का कारण बनता है या उनका नाम कहीं विवाद का विषय होता है। ताजा मामला 27 जून का है, जब अखिलेश यादव फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ संसद पहुंचे। अखिलेश फैजाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत के बारे में बता रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या यानी फैजाबाद को केवल बर्बाद किया है। अखिलेश ने बयान किया दिया, विवाद का विषय हो गए। पहले अखिलेश का वो बयान सुनिए। लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ। अवधेश जी राजा अयोध्या, अवधेश जी राजा अयोध्या, अवधेश जी राजा अयोध्या। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताने पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जताई है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि ऐसी बयानबाजी अखिलेश यादव को शोभा नहीं देती। संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा महाबली, बजरंग बली और प्रभु श्री राम है और कोई नहीं हो सकता। अयोध्या में जब से चुनाव परिणाम आए हैं और गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की अयोध्या से जीत हुई है, तब से अखिलेश यादव लगातार अवधेश प्रसाद को आगे कर रहे हैं। कल उनका एक बयान आया कि अयोध्या के राजा जो है अवधेश हैं। इस पर संतों की क्या राय है, हमारे साथ बात करने के लिए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं, इनसे बात करते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे, अखिलेश यादव का एक बयान आया कि अयोध्या के राजा जो है अवधेश हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से सिर्फ मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, अयोध्या का राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं और राम जी, बाकी अयोध्या का राजा कोई नहीं। लोकतंत्र में उनको विजय मिला है, उनको बधाई, उनके लिए मंगल कामना, लेकिन उनसे अपेक्षा, उनसे निवेदन है कि जनता का कल्याण हो, उस जन कल्याणकारी योजना पर बहस करें, अपने सांसद से चर्चा करें कि अगर जनादेश मेरे पक्ष में जनता ने दिया है तो हम जनता की भला कैसे कर सकें, इस पर योजना, इस पर विचार करना चाहिए, या ना कि अयोध्या का राजा अवधेश है। माया जी लगातार संसद में देखा जा रहा है अवधेश को वरीयता दी जा रही है, संसद के बाहर दी जा रही है, इस तरह के वक्तव्य से क्या अखिलेश यादव क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं नहीं, अयोध्या का वरीयता सदैव रहा है और उनको साधुवाद है कि अयोध्या के सांसद को वरीयता देना भी चाहिए। भूतोन भविष्यति, असंभव काम संभव हुआ उनके लिए, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जनता की कल्याणकारी योजना पर व्यास होना चाहिए। कैसे हम जनता को चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार देकर, कैसे उनके जो दुख है उस पर मलहम लगाकर और उनका कल्याण कर सके, उस पर आगे आकर उनको काम करना चाहिए। तो ये थे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, जिन्होंने कहा कि अयोध्या के राजा सिर्फ और सिर्फ भगवान बजरंग बली और श्री राम है, कोई दूसरा उनकी जगह नहीं ले सकता। अखिलेश यादव को मुद्दों पर बात करनी चाहिए, ना कि अयोध्या का राजा कौन है, अयोध्या का राजा कौन हो सकता है, या अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहना। न्यूज़ इंडिया के लिए मैं अनिल निषाद अयोध्या से। वहीं तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने सपा सुप्रीमो पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने पुराने अतीत को भूल गए हैं। चुनाव जीतने के बाद से ही सपा के दिमाग खराब हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सनातन का विरोध किया है, इसी परंपरा को अखिलेश यादव पीछे बढ़ा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यह पावन भूमि अयोध्या है और अयोध्या के राजा राम जी ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अखिलेश यादव को कुछ सीटें क्या मिल गईं कि बिल्कुल ये मर्यादा ही भूल गए।
इनके बाप ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, अब ये जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं। अच्छा होगा कि अपने बयान को वापस ले करके माफ़ी मांगे, नहीं तो राम जी का जब अपमान करेंगे तो जो बचा खुचा वजूद है वो समाप्त हो जाएगा। महंत श्री राम लला धाम के दिवाकर आचार्य महाराज ने अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को राजनीति में मंझा हुआ खिलाड़ी समझता था, लेकिन वो केवल मजहब की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव विकास की बात केवल अपने भाषणों में करते हैं। दुर्भाग्यजनक है कि अखिलेश यादव जी को मैं राजनीति में बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी समझता था, क्योंकि जिसके पुत्र हैं उनको धरती पुत्र कहा जाता था, और ऐसे मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में इतना मतलब इतने हल्के टाइप का राजनेता पैदा होगा। बड़ा अफसोस होता है अखिलेश यादव जी को लेकर कि लोकतंत्र की सुंदरता को किस प्रकार से धराशाही कर दिए। अखिलेश यादव जी ने आज संविधान के अगेंस्ट जाकर काम किया है। जो जनता जनार्दन लोकतंत्र में निर्वाचित जब किसी सांसद विधायक या किसी को भी अपने मताधिकार से चुनती है तो उसको लोकतंत्र में सेवक के रूप में चुनती है, और उस सेवक को राजा बताना ये लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या मैं कहूंगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी है अखिलेश यादव जी। और रही बात आध्यात्मिक और सांस्कृतिक, तो अयोध्या की नहीं बल्कि पूरे देश की, अयोध्या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है जिसके राजा रामचंद्र जी हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी का बयान निश्चित ही दुर्भाग्यजनक और संपूर्ण भारतवासियों के लिए आहत करने वाला है। अखिलेश यादव के अयोध्या पर दिए गए बयान को साधु संतों ने सनातन की आस्था से जोड़ दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी इसका असर चुनाव पर क्या पड़ता है, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव के बयान ने अयोध्या का सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। नमस्कार।